हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप। मेरा नाम धर्म सिंह है और एक बार फिर स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब मंच विराट फोरम पर। बच्चों, आज हम एक नया चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है विश्व के महासागर। विश्व के महासागर या फिर ओशन ऑफ द वर्ल्ड हम पढ़ेंगे। जैसे कि आप जानते हो, पूरे ग्लोब के ऊपर 5 महासागरों का फैलाव है। लेकिन उससे पहले महासागर पे हम जाएं, मैं बता दूं आपको कि पानी, अगर जल की हम बात करें पूरी पृथ्वी के ऊपर, तो एक प्रश्न ये आता है कि संपूर्ण पृथ्वी पर कितना जलमंडल का विस्तार है। तो आपको जैसे पता होगा कि 71% पूरी पृथ्वी के ऊपर जल है और 29% जो है वो स्थल फैला हुआ है। लेकिन कभी कभी कुछ प्रश्न ट्रिकी आ जाते हैं। जैसे कि क्वेश्चन आता है कि जो उत्तरी गोलार्ध है, देखिए उत्तरी गोलार्ध जो 0 डिग्री है, जिसको हम भूमध्य रेखा या फिर इक्वेटर भी बोलते हैं, इस रेखा से ऊपरी हिस्से को हम उत्तरी गोलार्ध बोलेंगे और दक्षिण जो कि 0 डिग्री से नीचे है उसको दक्षिणी गोलार्ध बोलेंगे। तो उत्तरी गोलार्ध में अगर हम जल मंडल का विस्तार अगर हम देखें, तो उत्तरी गोलार्ध में इस इलाके के अंदर जो जल है वो केवल 40% है, जबकि स्थल इस इलाके के अंदर 60% है। अगर हम दक्षिणी गोलार्ध की बात करें, इसी जल की बात हम करें, तो दक्षिणी गोलार्ध में जो जल है उसका विस्तार 81% तक है, जबकि यहाँ इस इलाके के अंदर जो स्थल हैं वो केवल 19% पाए जाते हैं। यूपीएससी जैसी परीक्षाओं के अंदर कभी कभी एसएससी में भी प्रश्न पूछा गया है कि जो जलमंडल का विस्तार है वो उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा दक्षिणी गोलार्ध में अधिक है, आपको यस या नो में पूछा जाता है, तो आप बताएंगे कि दक्षिणी गोलार्ध में जो जल है वो ज़्यादा है, जबकि स्थल या भूखंड जो है वो कम पाए जाते हैं। अब अगर हम बात करें समुद्र की लवणता का, समुद्र के अंदर जो लवणता है वो लगभग 35% मानी जाती है। 35% परसेंटाइल का यहां मतलब ये है कि यहां पर 1000 इकाइयों के ऊपर इसकी माप होती है, और पूरे समुद्र के अंदर जितने भी हमारे महासागर हैं या जितने भी हमारे सागर हैं उन सब में परसेंटाइल 35 है। इनमें सबसे ज्यादा सोडियम क्लोराइड, जिसको हम NaCl कह सकते हैं, वो है। इसी की वजह से जो सागर का जल है, महासागरों का जो पानी है, वो पीने लायक नहीं रहा है, वो कठोर भी बन गया है, और साथ में पीने की स्थिति उसके अंदर अब नहीं बची है, कोई भी उसमें मिनरल्स वगैरह नहीं है उस वाटर के अंदर। सबसे पहले हम प्रशांत महासागर के बारे में पढ़ेंगे। आपको पता है पृथ्वी गोल है, तो प्रशांत महासागर इधर और इधर मैंने लिख दिया है, और डिवीजन उसी तरह से करा है कि जो 0 डिग्री से ऊपर है वो उत्तरी प्रशांत और नीचे दक्षिणी प्रशांत है। इसको हम ईस्टर्न प्रशांत बोलेंगे और इसको हम वेस्टर्न बोलेंगे। तो अब आप ये देखें कि प्रशांत महासागर, जैसे कि आपको पता है, दुनिया का सबसे बड़ा महासागर है, और ये संपूर्ण जल का 1/3 यानी 1/3 जल धारण कर सकता है, करता है, या फिर ये कहें कि 33% जल जो है वो समाहित है प्रशांत महासागर में। प्रशांत महासागर का जो आकार है, कई बार प्रश्न आया है, ये आकार में त्रिभुजाकार माना जाता है। प्रशांत महासागर की एक खास बात और भी है कि इसी के अंदर सबसे गहरी गर्त, जिसका नाम है मेरियाना गर्त, वो पाई जाती है। गर्त का नाम है मेरियाना। आपको मैं एक बात और बता दूं, 1957 के अंदर, 1957 में एक व्यक्ति था वित्याज, इस वित्याज ने एक जहाज वो लेके गया इधर को प्रशांत महासागर में, और जहाज का नाम था चैलेंजर। इस चैलेंजर जहाज ने इस गर्त की खोज करी थी, और गर्त जैसे कि पता है आपको कि 11,033 मीटर गहरी है ये, या हम कह सकते हैं सीधे सीधे कि ये 11 किलोमीटर गहरी गर्त है, पूरे महासागरों में सबसे गहरी है। तो प्रश्न की तरफ ध्यान देना, वित्याज एक व्यक्ति है जिसने 1957 में चैलेंजर नामक जहाज से इस गर्त को खोजा है, इसी वजह से कभी कभी इस गर्त का नाम चैलेंजर गर्त भी आ जाता है, ध्यान रखें आप ये बात, चैलेंजर गर्त। लेकिन आप कंफ्यूज ना हो, मैं एक बात और बता दूं, एक और चीज है चैलेंजर कटक, एक चीज है चैलेंजर कटक। अगर प्रश्न ये आए कि चैलेंजर कटक कहां है,
तो चैलेंजर कटक है वो अटलांटिक महासागर के अंदर, आप नोटिस कर लेना, चैलेंजर के नाम से कंफ्यूज मत होना। चैलेंजर गर्त किस दूसरी गर्त को कहा गया है? मेरियाना को, मेरियाना को ही चैलेंजर गर्त भी कहा गया है, क्योंकि इसकी खोज चैलेंजर नामक जहाज ने करी थी। और चैलेंजर कटक कहां पर है? यह अटलांटिक महासागर में। प्रशांत महासागर की अगर हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के जो पूर्वी क्षेत्र है, पूर्वी क्षेत्र की तरफ प्रशांत महासागर है, जबकि उसके पश्चिम में आप देखेंगे हिंद महासागर का विस्तार है। प्रशांत महासागर की एक खास बात और है कि यह इंटरनेशनल डेट लाइन, इसको हम कहेंगे IDL, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर ये फैला हुआ है। और बहुत सारे द्वीप जो हैं इसके अंदर है, जैसे अमेरिका का होनोलुलु द्वीप है जो कि बहुत ही फेमस द्वीप है, और उसके बाद दक्षिण प्रशांत महासागर में इस तरह के बहुत बड़े और विस्तार जिनका है, बहुत बड़े बड़े द्वीप हैं, और ये बहुत ही एक बड़ा सागर है जैसे कि मैंने आपको बताया। अटलांटिक महासागर जैसे कि आपको पता है ये एक एस आकार का महासागर है। प्रश्न आया हुआ है कई बार, एस आकार में कौन महासागर है? तो उसका नाम है अटलांटिक महासागर। देखिए अटलांटिक महासागर की सबसे गहरी गर्त का नाम है प्यूर्टो रिको, प्यूर्टो रिको। ये गर्त उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है, ये बात नोटिस कर लेना। 0 डिग्री पर एक गर्त और है जिसका नाम है रोमांच गंभीर। नाम याद रखेंगे आप, रोमांच गंभीर। और इसकी दक्षिण में एक और गर्त है जिसका नाम है सैंडविच। प्रश्न कैसे आएगा? पूछा जाता है कि प्यूर्टो रिको, रोमांच गंभीर और सैंडविच किस महासागर की गहरी गर्तें हैं? तो आप बता देंगे सबसे गहरी गर्त अटलांटिक महासागर की कौन है? प्यूर्टो रिको है। फिर प्रश्न यह आ सकता है कि वो उत्तरी में है या दक्षिणी में है? तो आप बताएंगे ये उत्तरी में है। पूछता है कि 0 डिग्री पर अटलांटिक महासागर की सबसे गहरी गर्त का नाम बताएं, तो आप कंफ्यूज मत होना, आप बताएंगे कि ये रोमांच गंभीर है। अटलांटिक महासागर अगर हम जल की बात करें टोटली, तो 1/6 जल संपूर्ण जल का धारण करता है, यानी कि 1/6 जो वाटर एक तरह से क्वांटिटी है वो ये अब्जॉर्ब किए हुए है ये महासागर अपने आप में। इस महासागर की एक बात और है कि हमारे पास एक 0 डिग्री देशांतर है, 0 डिग्री हम इसको लोंगिट्यूड बोलते हैं या इसको देशांतर कहेंगे। ये 0 डिग्री देशांतर और ये 0 डिग्री अक्षांश, यानी के 0 डिग्री देशांतर को हम अंतर्राष्ट्रीय मानक समय भी मानते हैं, जिसको हम GMT बोल देते हैं कभी कभी, ग्रीनविच मीन टाइम। तो पूछा जाता है कि GMT और भूमध्य रेखा एक दूसरे को किस महासागर में क्रॉस करती हैं? तो आप बताएंगे कहां पर? ये काटती हैं अटलांटिक महासागर में, ये बात नोटिस करें। फिर प्रश्न आता है कि 90 डिग्री ईस्ट यानी 90 डिग्री वेस्ट ये कटक या ये लाइन किस महासागर को गुजर रही है? तो तब भी आप बताएंगे कि ये कौन सा महासागर है? अटलांटिक महासागर है। एक बात और, दुनिया का सबसे व्यस्ततम समुद्री मार्ग कौन है? तो आप ध्यान रखना, उत्तरी अटलांटिक महासागर, देखिए साउथ नहीं, उत्तरी अटलांटिक महासागर यानी कि अमेरिका से यूरोप, ये आपका यूरोप हो गया और ये अमेरिका हो गया, इन दोनों के बीच जो व्यापार होता है अटलांटिक महासागर को होके होता है, और ये दुनिया का सबसे बिजिएस्ट एक तरह से कह सकते हैं ट्रेडवे है, सबसे व्यस्ततम समुद्री मार्ग है। दूसरी बात अगर यहां इंपॉर्टेंट है, इसी समुद्री मार्ग के बीच में एक घास पाई जाती है जिसका नाम है सारगैसो। ये प्रश्न भी बहुत बार पूछा जाता है। सारगैसो को समुद्र का रेगिस्तान भी बोला जाता है। उसका रीजन ये है कि ये जो सारगैसो घास है ये बहुत बड़े इलाके में को समुद्र के ऊपर फैली हुई है, और दूर से ऐसे लगता है देखने में जैसे एक मिट्टी हो या फिर मरुस्थल हो समुद्र के बीच में। जो जहाज आते जाते हैं यहां से उनको चलने में दिक्कत करती है, ये इनके मार्ग में एक तरह से बाधा उत्पन्न करती है सारगैसो। कौन है सारगैसो? इसको हम कहेंगे एक जड़ विहीन घास है, यानी रूटलेस ग्रास है एक टाइप का, जो कि किस चीज में बाधा उत्पन्न कर रहा है? ये व्यापार के अंदर। तो सारगैसो कहां मिलता है? उत्तरी अटलांटिक में।
सबसे बिजिएस्ट कौन है, उत्तरी अटलांटिक ही है। तो अगला महासागर जो तीसरे नंबर पर आएगा उसका नाम है हिंद महासागर। देखिए हिंद महासागर की सबसे जो गहरी गर्त है वो है सुंडा गर्त। हिंद महासागर का अगर सबसे बड़ा द्वीप पूछेगा तो अफ्रीका के पास एक द्वीप है मेडागास्कर। ये मेडागास्कर सबसे बड़ा द्वीप है एक तरह से हिंद महासागर का। वैसे दुनिया का सबसे छोटा द्वीप की बात अगर हम करें ऑस्ट्रेलिया है, वो भी हिंद महासागर में ही पाया जाता है अगर ये बात होती है तो। दूसरी बात ये है कि सुंडा गर्त, जैसे मैंने बताया हिंद महासागर की सबसे गहरी गर्त है। एक प्रश्न ये आता है कि कौन सा ऐसा देश है जो प्रशांत और हिंद महासागर दोनों से टच होता है, तो आप बताएंगे कि जो ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी कंट्री है जो कि दोनों महासागर से लगी हुई है। हिंद महासागर के अंदर तीन चार कुछ द्वीप हैं जो बहुत ही फेमस है, जिनके बारे में जानना चाहिए। एक है डायमेंटिना पारिक, और एक द्वीप और है जिसका नाम है डियागो गार्सिया। देखो ये द्वीप बड़े ही फेमस द्वीप हैं छोटे छोटे हिंद महासागर के, और लगभग आपको मैप पर यहां को ये दिखेंगे, इधर को इस तरह से यहां पर मैप पे नजर आएंगे। वास्तव में इन पर अमेरिका का कब्जा है, उन्होंने अपने एयरबेस बनाया हुआ है यहां पर, और इसलिए ये चर्चा में रहते हैं कि ये द्वीप कहां पर है, तो आप बताएंगे ये हिंद महासागर के अंदर ये द्वीप पाए जाते हैं। हिंद महासागर को अर्ध महासागर भी बोला गया है। अर्ध महासागर मैं यहां लिख सकता हूं इसको, देखिए अर्ध महासागर इसलिए क्योंकि ये महासागर आकार में छोटी कैटेगरी में है, और कुछ दूसरे महासागरों का एक तरह से जैसे आर्कटिक है उसके अंदर भी इसका कुछ हिस्सा चला गया है, इसलिए इसको अर्ध महासागर भी कहा जाता है। हिंद महासागर की एक खास बात और है कि इसके पानी के अंदर जो लवणता है वो 35% ना होकर 23% है, यानी दूसरे सागरों की अपेक्षा इसका जल कुछ मृदु अवस्था में है। हालांकि पीने लायक नहीं है लेकिन फिर भी मृदु अवस्था में जल है अभी भी। चौथे नंबर पर देखिए, हम जो भी हमने अभी तक किया है क्षेत्रफल के आधार पर हम घटते क्रम में जा रहे हैं। पहली मैंने महासागर बताया प्रशांत महासागर, दूसरा अटलांटिक, तीसरा हिंद महासागर, और चौथा महासागर है अंटार्कटिका जिसकी हम बात करेंगे। देखिए दक्षिण ध्रुव यानी साउथ पोल के ऊपर जो महासागर है वो आर्कटिक महासागर है, और जैसे मैंने बताया है कि प्रशांत महासागर, हिंद महासागर और अटलांटिक महासागर, इन तीन महासागरों का पानी मिलकर वो आर्कटिक महासागर का निर्माण करता है। वास्तव में आर्कटिक महासागर कोई सागर है ही नहीं, लेकिन फिर भी ये जो क्षेत्र है इस इलाके को हम इस इलाके में ये जो महासागर है जो कि तीन महासागरों के पानी है, हिंद महासागर, प्रशांत और अटलांटिक, इन सब से मिलकर कौन बनता है आर्कटिक महासागर, और ये कहां पर है अंटार्कटिक, सॉरी, और ये अंटार्कटिक कहां है, साउथ पोल पर है यानी कि दक्षिण ध्रुव पर। आखिरी तरफ हम जा रहे हैं, हमारा आखिरी महासागर जो कि क्षेत्रफल में सबसे छोटा है जिसका नाम है आर्कटिक महासागर। उत्तरी ध्रुव में स्थित है ये महासागर, और अगर हम देखें कि जो रशिया है, रूस का ये हिस्सा और अलास्का का ये हिस्सा, इसके बीचों बीच एक जलडमरू है, एक जलसंधि है जिसका नाम है बेरिंग। बेरिंग जलसंधि के सबसे नजदीक जो है वो आर्कटिक महासागर, ऐसा प्रश्न आया हुआ है, तो इस पर कुछ ज्यादा नहीं पूछा जाता। एक बात और है, इस महासागर को छिपता हुआ महासागर भी बोला जाता है। ऐसा प्रश्न आता है कि छिपता महासागर कौन है, तो छिपता महासागर आर्कटिक है क्योंकि ये दिखाई नहीं देता। अगर आप देखोगे मैप के ऊपर तो बहुत छोटा सा एरिया इसका है, तो क्षेत्रफल में सबसे छोटा कौन है, छिपता कौन है, बेरिंग जलसंधि के पास कौन है, इसी तरह के प्रश्न कुछ पूछे जाते हैं इस पर। तो ठीक है बच्चों, मेरी वीडियो आज की कैसी लगी आप नीचे कमेंट्स में बता देंगे, और इसको वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और अगली वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।